बेटा, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था प्रोहिबिशन ऑर्डर 1979 का, जिसमें इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेंट्स लिकर, इनका जो सेक्शन 3 था उसमें मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्ट का जिक्र था, और सेक्शन 4 में ओनरशिप और पोजेशन का जिक्र था। तो अब ये जो केस लॉ है ये भी फेडरल शरीयत कोर्ट का ही है, PLD 2019, फेडरल शरीयत कोर्ट 21। तो इस सिलसिले में हमने देखना है कि जब 3/4 के तहत सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑर्डर 1979 के तहत किसी बंदे को पकड़ा, पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की और फिर अदालत से वो बेगुनाह करार दे गया, अदालत ने उसको सजा नहीं दी, तो फिर सेक्शन 417 के तहत CRPC में, जिसमें वो कंडीशन बताई गई है कि जब एक्यूज को एक्विटल कर दी जाए तो फिर वो क्या क्या किस किस तरीके का से अपील में हायर फोरम में जाया जा सकता है। तो उसमें क्योंकि ये स्टेट ओरिएंटेड केस ही था, तो स्टेट गई है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूट असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के जरिए, खैबर पख्तूनख्वा के जरिए वलायत खान का नाम, तो उन्होंने ही प्रेजेंट किया था, और एक्यूज की तरफ से कोई बंदा वकील पेश नहीं हुआ क्योंकि वो तो बरी हो गया था। अब अदालत ने फिर रिकॉर्ड ऑफ द केस को जब अपने सामने रखते हुए और दलायल सुने स्टेट के, तो फिर क्या फैसला किया सैयद मोहम्मद फारूक शाह जस्टिस ने, ये केस का फैसला लिखा। अब केस में क्या हुआ जनाब, के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इलाका काजी सवात के थे, उन्होंने FIR नंबर 1044 डेटेड 20 अक्टूबर 2013 अंडर आर्टिकल 3/4 ऑफ द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट हद ऑर्डर 1979 के तहत मुलजम को एक्विट कर दिया। तो उस फैसले को फिर अपील में चैलेंज किया गया है, और ये भी प्रेयर रखी गई है क्या कि जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया जाए, कन्विक्शन और भी दी जाए मुलजम के खिलाफ, और उसको सेंटेंस भी दिया जाए जिस तरह कानून में जिक्र किया गया है। अब बेटा इसके फैक्ट्स क्या हैं केस के, अलीमुला एक इंटर क्वालिफाइड हेड कांस्टेबल, वो पुलिस पार्टी के साथ गश्त पे था, उसे इंफॉर्मेशन मिली स्पाई की तरफ से कि फयाज खान सन ऑफ खैराती गुल ये शराब बेच रहा है। मौके पर अदालत पहुंची तो ये पब्लिक प्लेस थी, इस्तगासा के मुताबिक तो उसके पास से 2 गैलन्स बरामद हुए जिसमें देसी शराब मौजूद थी, एक में 20 लीटर और एक में 30 लीटर वॉल्यूम थी। तो दोनों गैलन से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को एग्जामिनेशन के लिए 5 मिलीलीटर के उससे नमूना जात लिए गए, सेपरेट किया गया और उनको पार्सल में बंद किया गया, और फिर इसी तरह से वो जो 2 गैलन से उनको और इनको रिकवरी मेमो के जरिए से पुलिस ने अपने कब्जे में सीज कर लिया। रिस्पोंडेंट को अरेस्ट किया स्पॉट के ऊपर, और फिर इस्तगासा लिख के जो आपका हेड कांस्टेबल ने भेजा पुलिस स्टेशन में मिंगोरा डिस्ट्रिक्ट सवात का 20/10/2016 को, तो उसके ऊपर ये फिर FIR लॉज जिसका नंबर था 1044। फिर तफ्तीश के बाद अदालत में चालान जमा हुआ, तो जब चालान जमा हो तो उसके बाद अदालत ने कार्रवाई के बाद मुलजम को फिर सारी चीजों को सुना। जी बेटा, तो मैं जिक्र कर रहा था कि फिर जो अब एविडेंस शहादत अदालत के सामने पेश हुई, उसमें अब जो इतराजात उठाए गए, तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने जब अपने दलाइल पेश किए तो उन्होंने फरमाया कि ऑल्दो जो मुलजम था उसको एक रश वाले इलाके में, पब्लिक प्लेस में गिरफ्तार किया गया, वहां पर दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी बंदा पुलिस में गवाही देने को तैयार नहीं था, इसलिए जो रिकवरी विटनेसेस हैं। अब आपने इस सिलसिले में 103 सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें बकायदा तौर 102 में सर्च का प्रोसीजर बताया गया है प्लेस के ऊपर, तो
तो 103 में बकायदा तौर बताया गया है कि सर्च जब करनी है इवन इंसान की या प्लेस की, तो उसके बाद में वो मौजूदगी में दो विटनेसेस जो रेपुटेशन जिनकी अच्छी हो उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए, लोकेलिटी के होने चाहिए, और फिर जो जो रख उधर से कब्जे में लेगी पुलिस, जिसका फर्द मकबूजगी बनता है, जिसे इंग्लिश में सीजर मेमो भी कहते हैं, तो उसके ऊपर बकायदा तौर पर सिग्नेचर्स होने चाहिए इन गवाहान के जिन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिकवरी विटनेस किसको बनाया गया, पुलिस की जो पार्टी के लोग थे उन्हीं को बनाया गया। ठीक है बेटा, तो आम जो शहरी थे उधर लोकेलिटी के थे, अनइंटरेस्टेड विटनेस थे, उनमें से किसी को नहीं बनाया। फिर दूसरा जो अदालत के पूछने पर बताया गया कि इसको आप कह रहे हैं कि ये हैबिचुअल सेलर है, ठीक है, ये बंदा आदि मुजरम है शराब बेचने का, तो इसके खिलाफ और भी आप कहते हैं क्रिमिनल केस हैं, तो आया कभी इसको सजा हुई है, तो इसका जवाब भी ना में आ गया कि ये नॉन कॉन्विक्ट है, इस पे कभी इसको सजा इस जुर्म के ऊपर नहीं हुई है। मुजरम ने नॉट गिल्टी प्लीट किया, फिर उसके खिलाफ सारी शहादत हुई। फिर सेक्शन 342 सीआरपीसी जो है बेटा, उसमें क्या होता है कि जब आपको बताया ना फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद फिर प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस पेश करती है, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पेश करने के बाद में अदालत किसी भी वक्त मुलजम को कटहरे में बुला लेती है और उसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो जवाब देता है। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें कि ये विदाउट ओथ स्टेटमेंट होती है सेक्शन 342 की। इसके अलावा अगर डिफेंस में अपना पेश होना चाहिए, होना चाहता है मुलजम गवाह के तौर पर, तो सेक्शन 340 उसका सब सेक्शन 2 के तहत, तो ये बड़ा मशहूर सवाल भी आता है सेक्शन 342 एंड 340 सब सेक्शन 2, इसमें क्या फर्क है स्टेटमेंट्स के मुताबिक। तो बस सीआरपीसी में आप इसको ज्यादा गौर से पढ़ेंगे। अब पैरा 5 में आप देखेंगे कि फेडरल शरीयत कोर्ट अब डिस्क्रिपेंसीज बता रही है, जो कि जिसका आप इलाका मजिस्ट्रेट सवाबी था उन्होंने भी उसका नोट किया, अब अदालत भी उसका कर रहे हैं कि इल्जाम पहले नंबर पे आपने इस पे लगाया है कि ये हैबिचुअल लिकर सेलर है, बेचता है, लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है तो उसके पास कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ है, सेल प्रोसीड मनी उसके पास मौजूद नहीं थी। दूसरे नंबर पे क्योंकि वो पॉपुलेटेड एरिया में बेच रहा था, लेकिन पुलिस ने किसी भी लोकल बंदे को, आम बंदे को उसमें गवाह नहीं बनाया, और इस बात का जिक्र जो IHC है अलीमुल्ला उसने भी किया, लेकिन उसने कभी अपनी उसमें नहीं लिखा जो उसने इस्तगासा भेजा था पुलिस स्टेशन में जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई कि जनाब ऑन स्पॉट पे मैंने लोगों से कहा कि वो गवाह बने, लेकिन कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, इस बात को भी जिक्र उधर मौजूद नहीं है। फिर दूसरे में अदालत ने कहा कि बेशक आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के तहत उस पर इल्जाम लगाया गया है, लेकिन कोई भी सबूत ऐसा पेश करने में प्रोसिक्यूशन साबित ना हो सके जिससे ये इनके ऊपर हो सके। और कानून का असूल क्या है जनाब कि जहां पर भी शेडो ऑफ डाउट रेज होगा तो वो फेवर किसकी जाएगी, वो अक्यूज को फेवर जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है जनाब, दैट अक्यूज इज कंसिडर्ड innocent until proven guilty, तो और उसमें जो accused is the favorite child of law, तो उसको हमारा क्योंकि ये है adversarial system of justice, तो इसमें जितना भी शक का फायदा है वो accused को जाएगा। और पुलिस ने कोई भी ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की देखे कि वो बंदे के ऊपर इल्जाम ज्यादा से क्या लग सकता है कि वो करियर था, लेट्स सपोज वो शराब के 2 गैलन लेके जा रहा था, अगर वो रिकवरी को दुरुस्त मान लिया जाए, अदालत ने रिकवरी के ऊपर भी सवालात उठाए हैं, लेकिन किसी ने तो वो बनाई होगी, किसी ने इम्पोर्ट की है या एक्सपोर्ट की है या प्रोसेस की है, इस सिलसिले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खामोश है, पुलिस ने इस सिलसिले में और कोई कार्रवाई नहीं की। फिर बेटा पांचवा जो बड़ा एतराज उठाया है, क्योंकि आप में से ही है बच्चे जो कि सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे, पुलिस सर्विस ज्वाइन करेंगे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ज्वाइन करेंगे, या जजेस के तौर पर आप बैठेंगे, या फिर आप लॉयर्स बनेंगे, तो ये लैक्यूनाज आपको इस तरह के केस में, पुलिस के केस में किस तरह से बरियत हो जाती है, मौसम मुनीर जिस तरह अक्सर सवाल पूछता है, तो ये वजूहात है। अब अदालत कहती है
कि जनाब मौके पर रिकवरी हुई। अब पुलिस के बयान के ऊपर मौके के ऊपर ही फर्दर मकबूजगी बनी है और मौके पर ही अरेस्ट स्टेटमेंट बनी है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एफआईआर का नंबर किस तरह से दर्ज हो गया, क्योंकि इस्तगासा लिखने के बाद में फिर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो इससे अदालत ने अखज किया है कि ये मौके के ऊपर फर्द मकबूजगी और अरेस्ट मेमो नहीं बने, बल्कि ये आईएचसी ने पुलिस स्टेशन में जाकर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ये दर्ज किए हैं। तो इस लिहाज से लीगल सैंक्टिटी इन डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं की जा सकती। फिर एक जो और खामी प्रोसिक्यूशन या आपकी उसमें एविडेंस में है कि जनाब ये जो फॉरेंसिक साइंस का है, इसमें चेन ऑफ कस्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि चेन ऑफ कस्टडी ना खराब हो और फौरन से ये काम किया जाए। तो अदालत कहती है कि जनाब 5 मिलीलीटर के वो जो सैंपल्स लिए गए थे उनमें 4 दिनों का डिले है। उनको जब सैंपल तैयार किए गए उसी दिन से, उसके बाद से 4 दिन बाद ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के लिए भेजे गए, तो इन 4 दिनों में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को भी फिर अदालत ने फायदा दिया है मुलजम को। फिर वो दोबारा बात की है कि सेल के हवाले से कोई नहीं दे सके। हाँ, अदालत में जब गवाही दी गई है तो उस सूरत में जो रिकवरी विटनेसेस थे, जो रिकवरी मेमू था, सीजर मेमू था, उसके विटनेसेस थे, उसने बयान देते हुए कहा कि मेरे सामने तो ये सैंपल या पार्सल तैयार ही नहीं हुआ, उससे भी शक हो गया। फिर फॉरवर्डिंग लेटर टू फेडरल जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, उन्होंने कहा 20/10/2016 को ये लेटर डिस्पैच हो गया, लेकिन जो पार्सल डिलीवर किया गया है नमूना जात को, वो 24/10/2016 का दिया गया है, जो कि 4 दिनों का डिले है और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। प्रैक्टिकली ये क्या होता है कि जनाब, क्योंकि वो लेटर तो साइन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने करना है, तो वो तो पुरानी डेट में ही साइन करके रख देते हैं, डिलीवर ही पुलिस वालों को लेट होता है। ठीक है, एक्चुअली वो जिस कांस्टेबल ने या पुलिस ऑफिसर ने जाना होता है, फिर ऑब्वियसली बेटा ये कुछ इंतजार किया जाता है कि एक बंदे ने जाना है तो वो जनाब इकट्ठे करके ले जाए पार्सल। तो कई प्रैक्टिकली भी ऐसी बातचीतें हैं, लेकिन जब आप इवन स्टेट लॉयर बनेंगे, प्रोसिक्यूटर बनेंगे या जजेस बनेंगे या हायर लेवल पे पुलिस को ज्वाइन करेंगे, तो अपनी सबॉर्डिनेट्स को आपने ये चीजें बतानी है कि ये इन वजूहात की वजह से आपका केस अदालत में सुरखरू नहीं होता। फिर वही बेटा के लोकेलिटी के इनहेबिटेंट्स जो हैं, उनको किसी को भी एग्जामिन नहीं किया पुलिस ने, उसमें गवाह रिकवरी के हवाले से नहीं बनाया, बेशक वो थॉरो फेयर में था। इस वजह से केस लॉ को डिस्कस करते हुए अदालत ने कहा है कि जब पब्लिक प्लेस के ऊपर हो किसी को कोई गिरफ्तारी की जाए या कोई बरामदगी हो, तो उसके लिए 103 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके मुताबिक जो लोकेलिटी के लोग होने चाहिए, ठीक है, और अनइंटरेस्टेड होने चाहिए, ना वो अक्यूज साइड से हों और ना ही पुलिस पार्टी के हों, लोकेलिटी के। हाँ, इस सिलसिले में वहां से जो राह गुजरते हुए बंदे हैं उनकी भी गवाही ली जा सकती है, जो कि उधर लोकेलिटी के नहीं है लेकिन रास्ते से उस वक्त गुजर रहे थे, लेकिन उनकी गवाही को इतनी सेंक्टिटी हासिल नहीं है जितनी के उस इलाके के रहायशी प्लस उनकी रिस्पेक्टेबल इज्जत भी हो माशरे में, उनका बयान होना चाहिए, तो उनको ज्यादा अदालत फौकियत देगी। फिर पैरा 7 में अदालत ने तमाम फिर ऊपर जो डिस्क्रीपेंसीज थी उनको जिक्र करते हुए कहा कि इससे काफी ज्यादा प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है वो उसमें काफी शकुको शुभात अब एग्री शुको शबात रेज हो चुके हुए हैं। तो इस सिलसिले में फिर मार्टर जो है वो सर्टेनिटी से प्रोबेबिलिटी में चला गया है और अदालत जो है सस्पिशन शक की बिना के ऊपर क्रिमिनल लॉ में फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का फर्ज है कि उसने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल शेडो ऑफ डाउट प्रूव करना होता है, लेकिन ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं ऊपर उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन स्टोरी में काफी ज्यादा झोल पैदा हो चुका है और इन तमाम के तमाम जो फायदा है डाउट्स का और डेंट्स का प्रोसिक्यूशन केस में, इसका फायदा जाता है मुलजम साइड को। अब प्रेयर क्या थी कि जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसने बरी कर दिया है, एफआईआर दर्ज हुई है 3/4 प्रोबिशन ऑर्डर 1979 के तहत,
इलाका मजिस्ट्रेट ने कर दिया। अब रिलीफ क्या क्लेम किया स्टेट ने कि उसको सेटिसाइड कर दिया जाए, यानी कि वो जो फैसला दिया है सबॉर्डिनेट अदालत ने उसके उसको चेंज किया जाए, इम्प्यून कहते हैं चैलेंज जजमेंट को। अब अदालत ने ये सारे के सारे मेयार बता दिए हैं आपको कि किसी भी जब, और ये आपके ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुख्तलिफ प्रोविजंस में मौजूद है, सेक्शंस में मौजूद है, और साथ साथ केस लॉ से भी निकलते हैं कि किन किन वजूहात के ऊपर हायर फोरम लोअर फोरम के फैसले के साथ इंटरफियर कर सकती है, मुदाखलत कर सकती है। मुदाखलत से क्या मुराद, सजा को बढ़ा सकती है या सजा को कम कर सकती है या फिर सजा को चेंज कर दे या जजमेंट को चेंज कर दे। मिस रीडिंग हो एविडेंस की, नॉन अप्रेजल ऑफ एविडेंस हो, मटीरियल एविडेंस की एप्रिसिएशन ना की हो, एविडेंस को इलीगली उसको रिसीव किया हो, अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में ही डिफेक्ट हो, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन ने जो केस पेश किया है अदालत के सामने, एविडेंस पेश किया, अदालत उसको रिकॉर्ड ना करे, और जो एक्विटल ऑर्डर है वो ऑन द फेस ऑफ इट ही वो इलीगल हो, ऑन द फेस ऑफ के से मुराद बेटा ये है कि उसमें जो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए लॉ के हवाले से, लॉ को अप्लाई ना किया जाए, मिस अप्लाई किया जाए या मिस रीड किया जाए, तो उस वाले से ये गुफ्तगू है। बहरहाल मुलजम को फिर जब सजा दी है एक्विटल, क्योंकि 417 तो एक्विटल के खिलाफ फैसला था ना, एक्विटल के खिलाफ अपील थी, तो एक्विटल जब की है तो प्रोसिक्यूशन को अपनी स्टोरी या अपने गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया है, तो इन बिना के ऊपर अगर हो तो फिर अदालत करेगी। फिर अदालत की नजर में ऐसी कोई सिचुएशन इस केस में नहीं थी जिसकी वजह से अदालत इंटरफेयर नहीं करना चाह रही इस जजमेंट के हवाले से। अब अदालत ने पैरा 9 में बताया है कि डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हासिल हो गई है मुलजम को, किस तरह से, पहला तो जनाब वैसे ही लॉ का असूल है कि जब तक मुलजम गिल्टी करार ना दिए जाए उसे इनोसेंस समझो, और दूसरा क्या है कि जब ट्रायल कोर्ट ने भी उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया है तो इससे उसको फिर डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हो गया है कि मुकदमे से पहले तो पहले ही वो इनोसेंट समझा जाना चाहिए था उसे, लॉ का असूल है, लेकिन इवन मुकदमे में क्योंकि उसको तो इवन मुकदमे में क्योंकि उसको बरी कर दिया गया है तो अपील में तो उसको ज्यादा उसके खिलाफ उसके हक में जाएगा। फिर अदालत इसी तरह से दोबारा उसको कर दिया है कि एक्विटल के फैसले को नहीं कर सकती जब तक उसमें कोई ऐसा मिसरीडिंग ऑफ एविडेंस की बात ना हो। अब ये सारी स्टोरी सुनने के बाद अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन में जो झोल थे, जो के स्टोरी में जो फायदा, जो स्टोरी नहीं हो सकता था, उसके हवाले से फिर अदालत ने उसको मद्देनजर रखा, इलाका मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया, और उसी को फिर अब फेडरल शरिया कोर्ट ने क्या फैसला दिया होगा इनका कोई बता सकता है, पढ़ा नहीं है तो चलो सुन के आपको क्या आइडिया है, क्यों हमना समरीन जासम खदीजा दुल कुबरा मोहसिन मुनीर अवैस अली इनमें से कोई। अदालत ने बेटा वो जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया और जो इलाका मजिस्ट्रेट के फैसले थे उसको बरकरार रखा। जी यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज।